हालेलुया, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और एक बार फिर दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में आप सबका यीशु मसीह के नाम से मैं वेलकम करता हूं मेरे प्रियो। और 1 अप्रैल 2021 के लिए परमेश्वर का वायदे का वचन जो मेरे और आपके लिए है वो मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4th अध्याय और उसके 31 पद में, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। आमीन। परमेश्वर के इस वायदे के वचन के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये वायदा कर रहा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। हालेलुया। वो हमें नहीं भूलता है, वो अपने वायदों को नहीं भूलता है। लिखा है, जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको वो नहीं भूलेगा। आमीन। जो वाचा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी है, जो वाचा उसने अपने नबियों, अपने लोगों के साथ बांधी है, जो वाचा, हालेलुया, उसने अपने लोगों को दी है, वो वचन वो उसको ना भूलेगा मेरे प्रियो। वो लिखा है कि वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वह तुमको ना छोड़ेगा और ना तुमको नष्ट करेगा। परमेश्वर किसी को नष्ट करना नहीं चाहता है, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो हम नष्ट ना हो, हम नाश ना हो, परंतु हम अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हम पर अपना अनुग्रह करता है, वो हम पर अपनी दया करता है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमारे जीवनों में अपने वायदों को पूरा करना चाहता है और वो अपने वायदों को कभी भी नहीं भूलता है। हमें क्या करना है, जब वो दयालु है, वो वादों को पूरा करने वाला है, हालेलुया, वो कभी ना भूलने वाला है, वो नष्ट करना नहीं चाहता है, तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हालेलुया, हमें उसकी व्यवस्था को पूरा करना है, हमें उसके वचनों को पूरा करना है, हमें उसके उस बलिदान को नहीं भूलना, उसके प्रेम को नहीं भूलना है, हालेलुया। और हमको, हालेलुया, हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है तो हमें भी उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है ताकि ये सारे वायदे हमारे जीवन में पूरे हो सके, हम परमेश्वर की दया को अपने जीवन में रिसीव कर सके मेरे प्रियो। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आज का जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है मेरे प्रियो कि जब प्रभु कहता है कि मैं एक दयालु ईश्वर हूं, किस प्रकार हम उसकी दया को रिसीव कर सकते हैं, एक विश्वासी किस प्रकार परमेश्वर की दया को अपनी लाइफ में रिसीव कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैप्पी न्यू मंथ ऑफ अप्रैल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।